लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कालों के आकार को अपने व्रत में स्थित रखने वाला ओमकार, अपने निराकार नेत्रों से मैं जगत में घटने वाली गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करता हूं। शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष के लिए तप करना अनिवार्य था। भावी रचना को आकार देने के लिए ब्रह्मा जी ने एक ओर रति और कामदेव का विवाह कर देने के लिए अपने मानस पुत्र दक्ष को प्रेरित किया, तो दूसरी ओर शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के निमित्त उन्हें तप की ओर प्रवृत्त होने का आदेश भी दिया। पिता का आदेश मानकर प्रजापति दक्ष अपनी पत्नी वीरणी सहित शक्ति की साधना में संलग्न हो गए। तपस्या फलित हुई और शक्ति ने प्रकट होकर उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लेने का आश्वासन दिया। साथ ही सावधान भी कर दिया कि उनके जन्म के पश्चात उन्हें शक्ति रूप में नहीं पुत्री रूप में स्वीकार कर
उसी के अनुसार आचरण करें। अपने वचन और वरदान के अनुसार शक्ति ने सती के रूप में वीरणी के गर्भ से जन्म लिया। इस तेजस्वी कन्या के जन्म से संपूर्ण राजभवन में हर्ष और प्रसन्नता का सागर उमड़ पड़ा। त्रिकालदर्शी और तीनों लोकों में निरंतर भ्रमण करने वाले नारद नारायण का नाद करते हुए शक्ति स्वरूपा कन्या के दर्शन का लाभ लेने दक्ष के भवन में आ पहुंचे। नारद ने कन्या का नामकरण किया और उसे सती नाम से पुकारा। वीरणी ने वात्सल्य भाव से गदगद होकर अपनी नवजात कन्या को देखा। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। रहती आजकल। आओ देखिए कहाँ है। चलो चलो चलो। कौन? यही तो हम सब पूछना चाहती हैं सती, कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो। मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा। हाँ हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी नाक को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। नहीं। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते। अरे कहीं नहीं सती। इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो, अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्व व्यापकता। शिव कैलाश में और शक्ति सती रूप में पृथ्वी पर दक्ष के घर, ये कैसी व्यापकता है प्रभु?
जगत में सत्य की प्रतिष्ठा के निमित्त इस व्यापकता की आवश्यकता है प्रिय, कारण कि सत्य से ही कल्याणकारी अर्थात शिव रूप जन्म लेता है। इसका ज्ञान मुझे है प्रभु कि सत्य ही शिव का आधार है। हाँ प्रिय, सत्य और शिव से पुनः सुंदर की उत्पत्ति होती है, कारण कि सत्य कभी अशिव अथवा असुंदर नहीं होता। प्रभु ये ज्ञान भी मुझे है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप ही जगत में व्याप्त है। इसका मूल आधार तो तुम ही हो देवी। मैं? यदि शक्ति न होती तो सत्य स्थिर न होता। शक्ति के कारण ही सत्य की रक्षा होती है, शिवम प्रशस्त होता है और सुंदरम व्यापक होता है। प्रभु आपने तो सत्यम शिवम सुंदरम का संपूर्ण श्रेय शक्ति को अर्थात मुझे ही दे डाला। सत्य भी यही है, सती या शक्ति से रहित शिव शून्य है। ये भी तो सत्य है प्रभु कि शिव से रहित शक्ति का अस्तित्व भी शून्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में सापेक्षिक संबंध है। स्थिति ऐसी है तो फिर ये अपूर्णता क्यों? अपूर्णता कैसी प्रिय? आप लौकिक रूप में कैलाश पर और मैं लौकिक व मानव देह में दक्ष प्रजापति के घर। मानव देह के कारण मानवीय गुण व कामनाएं भी हमारे साथ हैं देवी, किंतु तुम्हें इस सत्य का ज्ञान तो होगा ही कि हमारा ये लौकिक व अलौकिक रूप तथा जगत की संपूर्ण रचनाएं सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा व निर्वाह हेतु ही हैं। प्रिय शीघ्र ही लौकिक रूप में हमारा मिलन होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा हेतु? हाँ देवी, हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटी सती, सती उठो, प्रभात हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये क्या है? ये वो पंचाक्षरी मंत्र है माते, जो मेरा कल्याण करेगा। इस मंत्र की अनुभूति मुझे स्वप्न में हुई थी जब मैं उनके समक्ष खड़ी थी। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? भगवान शिव शंकर की, वे ही मेरे स्वप्न में आए थे। क्या शिव जी तुम्हारे स्वप्न में आए थे? हाँ माते, उन्होंने मेरे मन की सारी व्यग्रता शांत कर दी। उनसे मिलकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करूं, तत्पश्चात ही उनसे मिलन होगा। सती, सती तुम्हारी बात पर विश्वास? मेरी बात पर विश्वास करो माते, ये सत्य है। पार्थिव शिवलिंग द्वारा शिव आराधना करने से ही मुझे मनोवांछित फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी। महारानी, राजकुमारी सती कहाँ है? वो शिव आराधना करने नदी तट पर गई है स्वामी। शिव आराधना? किसने कहा उसे शिव आराधना करने के लिए? शिवजी ने। वे सती के स्वप्न में आए थे। उस स्वप्न के बाद सती बदल सी गई है। ये नहीं हो सकता महारानी। दक्ष प्रजापति के होते हुए ये कदापि नहीं होगा। सती हमारी पुत्री है, उसके हितहित के विषय में सोचना हमारा कर्तव्य है, और सती के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री सती, पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। पिताश्री, मेरी यही आकांक्षा है कि देवेश्वर शिव के साथ मेरा मिलन शीघ्र ही हो, और इसी मिलन को संभव बनाने के लिए परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार मैं ये पूजा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। तनिक सोचो पुत्री, तनिक सोचो। उस विचित्र वेशधारी कैलाश निवासी से तुम्हारा विवाह कैसे संभव होगा? एक प्रजापालक नरेश होते हुए हम स्वयं अपनी पुत्री को एक वैरागी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? जो पूर्व निश्चित है उसे आप विफल कैसे कर सकते हैं? मेरा जन्म ही देवेश्वर शिव के चरणों की सेवा के लिए हुआ है पिताश्री। ये तुम्हारा भ्रम है सती। स्वप्न की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। छोड़ दो, छोड़ दो ये सब व्यर्थ की बातें। नहीं पिताश्री, देवेश्वर शिव के प्रति ऐसा असम्मान न दिखाइए, ये उचित नहीं होगा। उचित अनुचित के तर्क में उलझकर तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम। पिता दक्ष के क्रोध और चेतावनी का सती पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, और वो पुनः शिव स्मरण में निमग्न हो गई। नदी तट पर सती शिव की भक्ति में लीन थी, और इंद्रलोक में देवराज इंद्र, पत्नी शची तथा अन्य देवगणों के साथ नृत्य संगीत व मनोविनोद में निमग्न थी।